वेलकम टू बीएटी क्लासेस, माय सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है, सबसे पहले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना। तो देखिए, अभी तक हम लोग ने क्लास 11 का जो आपका चला था रिलेशन फंक्शंस, इसमें आपने 4 लेक्चर सुने थे, बेसिक देखा आपका एक्सर्ट लेवल की क्या चीजें होती है, है ना। ठीक है, अब जो है यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है डोमेन रेंज। अगर मुझे पढ़ाना है पर्सनली, मुझे पढ़ाना है डोमेन रेंज, तो मुझे इनइक्वालिटी का आपको पहले ही नॉलेज देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में वहाँ यूज होना है। तो जितनी चीज़ें मैं आज लेक्चर बता रहा हूँ, अगर उतना आप कर लोगे तो आपका आईआईटी एडवांस तक का आपका क्लियर हो जाएगा, लेवल छोड़ लेवल तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो थर्ड एक्सरसाइज है, 2 लेक्चर्स के बाद में कराऊंगा, 2 या 3 लेक्चर्स के बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो इतना कंटेंट मैं दे दूंगा आपको कि कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है, है ना, कोई और चैनल पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपका यही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा, छोटे से टाइम में ज़्यादा आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो पढ़ते रहेंगे आपके। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे क्या आज, सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, कितने टाइप की इक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं, है ना, इंटरवल कैसे अप्लाई किए जाते हैं, इंक्लूडिंग क्या होता है, एक्सक्लूडिंग क्या होता है, कितने टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, वह इंटरवल में आ जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू लिखना होगा कैसे लिखेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग वीवी कर्व मेथड, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीवी कर्व मेथड से, वो एक शॉर्टकट है आपका। ठीक है, वही आपको अप्लाई करना है आपके 11th क्लास में। ठीक, क्योंकि आपको अगर डोमेन रेंज निकलवाएंगे तो वही मेथड आप अप्लाई करोगे, आराम से हो जाएगा। अब पता चला आप करना शुरू कर रहे हो, 2 पेज क्वेश्चन जा रहा है, वहाँ भी गलतियों के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वीवी कर्व अप्लाई करना है आपको, सिंप्लीफाइड तरीके से आंसर मिल जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात तो टाइप्स ऑफ इक्वलिटीज की बात करें। ठीक है, तो इक्वलिटीज आपकी सिंपल कितने टाइप की होंगी, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपकी कितने टाइप की होंगी, 7 टाइप की, 6 टाइप की, 5 टाइप की इक्वलिटीज होंगी, 3 टाइप की, 5 टाइप की। सबसे पहली बात तो एक आपकी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ ऐसा कभी आपको दिखेगा, ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। अगर यहाँ पर ए है और ये बी है तो क्या बोलेंगे, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब जिधर ये ओपन होता है वो बड़ा होता है, जिधर ये क्लोज होता है वो छोटा होता है, और ये साइन क्या दिखाता है, इक्वल टू। ठीक है, ये साइन क्या दिखाता है, इक्वल टू। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू, इसे क्या बोलेंगे, लेस देन और इक्वल टू। देखिए, जिसको ये चीज आती है वो स्किप कर सकता है, बट मैं तो आपका 0 लेवल से लेकर चलूंगा ना, मैं तो ये अज्यूम करता हूँ किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब सेकंड इक्वलिटी क्या होगी यहाँ पे, अगर यही आपको ये साइन हटा दिया जाए, लेस देन बी हो जाए, इसे क्या बोलेंगे, लेस देन ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये क्या होगा, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, आप सेंटेंस लेकर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यही पे साइन को उल्टा कर दिया जाए, इसलिए ऐसा हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, या तो ए से ग्रेटर होगा या ए के बी के इक्वल होगा, या तो बी से ग्रेटर होगा या बी के इक्वल होगा, और यही कि ये हटा दिया नीचे का जो पार्ट है या हॉरिजॉन्टल लाइन से हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगी, इक्वलिटी हट जाएगी, क्या बोलेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा, ये तो आपकी 4 इनइक्वलिटीज हो गई, अब एक और बाकी है, अगर ए और बी इक्वल हो जाए, ग्रेटर और साइन मिल जाए, एक और बनता है ए इज इक्वल टू बी, इसे क्या बोलते हैं, सबको पता है ए इज इक्वल टू बी होता है। तो देखो जरा साइन क्या बोलता है, जिधर आपका ये क्लोज होगा वो छोटा होगा, जिधर ओपन होगा तो वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, इक्वल, ग्रेटर लेस भी है और इक्वल भी है, लेस भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है, हमेशा लेस होगा, इसका मतलब क्या है, ए हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ए हमेशा ग्रेटर होगा, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, ए हमेशा इक्वल भी होगा। ठीक है, ये तो आपकी इनइक्वालिटीज हो गई जो बेसिक है, सब लोग मैं मानता हूँ आप लोग को आता होगा, इसको आता है बोल रहा हूँ ना कि वो स्किप कर दें, है ना, 10 सेकंड से 20 सेकंड आप स्किप कर दें जल्दी से। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज आप नोट कर लीजिए, फिर आते हैं इंटरवल्स पे, है ना। ठीक है, इंटरवल्स देख लीजिए, उसका इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत ही कुछ है, ये समझ लो बस। ठीक है,
तो इंटरवल्स के लिए देखते क्या इंटरवल्स होते हैं, कहाँ पर कौन सा ब्रेकर यूज होता है ना, क्योंकि पूरा खेल आपका इन इक्वल टू ब्रैकेट्स का ही चलता है। अगर आपने ओपन क्लोज ब्रैकेट नहीं सीखा, ठीक है, या वैल्यू रखना नहीं सीखा, कहाँ पे इंक्लूड करेगा कहाँ पर एक्सक्लूड करेगा, तो आपके लिए सबसे पहली बात तो हम लोग टाइप्स ऑफ इंटरवल्स कितने होते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है, ये बेसिक है ना, आप अगर बेसिक पकड़ लोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे यार, जो मैं बता रहा हूँ वो मेथड चलते रहो, टाइप्स ऑफ इंटरवल बताऊँगा, उसका कुछ मैं टेक्निक्स बताऊँगा कि कहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, उसके वीवी का मेथड बताऊँ, फिर आपके डोमेन रेंज निकालना मैं सिखाऊँगा, ठीक है, इतना सफिशिएंट है डोमेन रेंज के लिए। और इसका यूज पूरी मैथमेटिक्स में होता है, हर जगह होता है, इनइक्वालिटी तो आपको आनी ही चाहिए, है ना, अगर सॉल्व करना नहीं आता तो दिक्कत होगी आपके साथ, ठीक है, जितना मैं बताऊँगा उतना सफिशियंट है यार, एक ऑप्शन आपका हो जाएगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स की, तो कितने टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं, ओपन क्लोज, अरे यार ये तो बिल्कुल बनाया जाता है ना, सीधा आपका ओपन क्लोज होता है, ये तो सेम क्या होगा कि ओपन भी है क्लोज भी है इसमें, ठीक है, ओपन मतलब क्या है, एक्सक्लूड करोगे, ओपन मतलब क्या है, बाउंड्री को एक्सक्लूड करोगे, क्या लिखना है इसमें, एक्सक्लूड बाउंड्री, इसमें क्या लिखना है आपका, ओपन में क्या होगा, बाउंड्री को एक्सक्लूड करना है, है ना, तो जब भी आपको वैल्यू कुछ ऐसे दिखे जहाँ पे आपको इक्वलिटी ना लगी हो, जैसे बात करें हम जहाँ पर इक्वलिटी ना लगी हो, हाँ ओपन इंटरवल में जहाँ भी अगर आपकी इक्वलिटी ना लगी हो, लिखा जाए कुछ ऐसा हो, जैसे ए कोई नंबर हो वो लेस देन एक्स है एंड लेस देन बी है, देखो एक्स देखो क्या है, ग्रेटर देन ए है और लेस देन बी है, बट यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, इक्वल साइन नहीं है ना, तो कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है, ओपन ब्रैकेट आएगा, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग करेगा ए बी से, है ना, बट कभी भी ए और बी को नहीं लेगा, मतलब ये ब्रैकेट कहीं भी आपको दिखेगा, इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट आप बोलते हो, स्मॉल ब्रैकेट भी ओपन होता है, मतलब ए बी को कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा, बाउंड्री कंडीशंस को एक्सक्लूड कर देगा, क्या करेगा, एक्सक्लूड कर देगा, एक्सक्लूड मतलब समझ रहे हो ना कि इन बाउंड्री कंडीशन हटा देगा, बाकी नंबर्स देगा उनके बीच का। चलो अभी एग्जांपल्स लेके भी समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल बेसिक से मिलेंगे, चल रहा हूँ, है ना, अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, तो कैसे और कैसे इसको लिखा जाता है, कहीं कहीं आपको एक डॉटेड लाइन दे देगा, कहीं सर्किल बना देगा, हाँ उसका मीनिंग क्या होता है, तो हमने एज्यूम किया ये एक्स एक्स लाइन है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो यहाँ पे कौन सा लगाओगे साइन, ऐसा कुछ लगाओगे, ये देखो ओपन हो गया, ओपन सर्फेस डिनोट करोगे, ठीक है, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, बट ए बी कभी भी इस पे एक्स के में नहीं आएगा। देखो क्या हम बोलना चाहते हैं, जैसे कोई इक्वेशन आप ले लें, अभी कोई इक्वेशन ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हमको दिया गया हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ दिया गया है x माइनस फोर इज लेस देन फोर जीरो, है ना, ऐसा है, ठीक है, तो देखो जब इसको उधर लेके जाओगे तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक, अब देखो क्या x फोर से कम लेगा बट फोर को कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा, फोर को निगलेक्ट कर देगा, 3.99 ले लेगा बट फोर नहीं लेगा, सिंपल ये कहने का मतलब है, ठीक है, मतलब बाउंड्री कंडीशन को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, बाउंड्री कंडीशंस को एक्सक्लूड कर देता है, लिख लो एक्सक्लूड, एक्सक्लूड बाउंड्री कंडीशंस, परेशान मत हो, परेशान बिल्कुल मत हो, अभी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, मैं दोबारा एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है, अब देखो इनको कैसे शो करते हैं, सर्किल से, ओपन सर्किल है ना, देखो ठीक है, क्लोज इंटरवल क्या होगा, जहां पे बाउंड्री कंडीशंस को हम इंक्लूड कर लेंगे, बाउंड्री कंडीशन आपकी कंसिडर की जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, इंक्लूड बाउंड्री कंडीशंस, क्या लिखना है, इंक्लूड, इंक्लूड बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, कैसे होता है, यहाँ पे इक्वलिटी लिया जाती है, a इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू b, ठीक, ए देखो x a b के बीच में लाई कर रहा है बट a b को इंक्लूड करेगा, ये क्या आ गया, इक्वलिटी आ गई है, तो यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर x कभी भी a नहीं हो सकता था,
यहां पर x is not equal to a and x is not equal to b, but यहां पर x आपका a b के बीच भी होगा और x a भी हो सकता है और x b भी हो सकता है। यहां पर x कैसे लिखेंगे, x belongs to a to b, कौन से ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। देखो इन नंबर्स को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जब भी आपको क्लोज इंटरवल दिखेगा वहां पर जो बाउंड्री नंबर्स होते हैं वो इंक्लूड होंगे, जहां पे भी ओपन ब्रैकेट दिखेगा बाउंड्री नंबर्स इंक्लूड होंगे। इतना आपको समझ आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर लाइन ऐसे शो करते हैं ना। एक नंबर लाइन है ये आपका एक्स है, कुछ ऐसा है ये नंबर लाइन एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा ए कुछ यहाँ लाइन कर रहा है, बी कुछ यहाँ लाइन कर रहा है, तो कैसे सिखाएंगे, ये देखो क्लोज ब्रैकेट, जहां पर भी ऐसा संकेत दिखेगा ऐसा, इसका मतलब क्या है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और जहां पे भी ऐसा सर्कल दिखेगा मतलब क्या है, बाउंड्री कंडीशन को एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। अभी एग्जांपल से लिए और समझाएंगे, परेशान बिल्कुल मत हो, ठीक है। ये सेमी ओपन है, सेमी मतलब क्या है, हाफ, हाफ ओपन हाफ क्लोज, सेमी ओपन लिख लो या सेमी क्लोज लिख लो, ठीक है, बात एक ही होती है। तो यहां पर लिख सकते हैं a less than equal to x less than b, देखो एक जगह इक्वलिटी है एक जगह इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे देखो इक्वलिटी है कि नहीं है, देखो नीचे वाला, और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है। तो जहाँ पे इक्वलिटी होती है, जहाँ पर इक्वलिटी होती है ये ब्रैकेट लगता है, जहाँ पर नीचे ये ऐसा रहा होता है ये ब्रैकेट लगता है, ये हो गया, और जहाँ पर नहीं होती कौन सा लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है, लगता नहीं लगता है। और कहीं भी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी कभी अचीव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इन्फिनिटी हम लोग कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला, हमेशा इन्फिनिटी का कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला, ठीक है। बहुत सिंपल टेक्निक से, बहुत सिंपल टेक्निक से आप समझो इनको अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था, है ना, चलो इसको पहले ड्रॉ करते हैं। अगर इसको x एक्सिस पे ड्रॉ किया जाए, ये x होगा, ये a है और ये b है, a पे कैसा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो कैसा साइन होगा, ये होगा। b पे कैसा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, कैसा साइन होगा, ये होगा, मिला लो, ठीक है। ये देखो मतलब यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, ठीक है। तो आपको ये बेसिक समझ में आएगा कि आपके ये जो इंटरवल्स होते हैं कितना टाइप के होते हैं। आपके आपके कॉलेज लाइफ में जो पढ़ाया जाएगा, स्कूल लाइफ में जो बात करते हैं, वो कंसेप्चुअली पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन देख के एनसीईआरटी देख के करवा देंगे, बच्चों को यही बताते हैं कि ये कैसे आता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने अगर बेसिक ही नहीं सीखा है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, है ना, ठीक है। तो आपके ये टाइप्स ऑफ इंटरवल्स हो गए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा, अभी किसी के दिमाग में ये भी आया होगा कि ये ऐसा भी होता है, ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक में इक्वलिटी है दूसरे में नहीं है। तो यहां पर कैसे होगा, एक्स बिलोंग्स टू, यहां पर देखो नहीं है तो कौन सा ब्रैकेट होगा, ये वाला, है ना, ए, यहां पर है तो कौन सा ब्रैकेट होगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब नंबर लाइन चेंज रहेगी आपकी, ठीक है। तो यहां पर एक्स होगी, यहां ए है, यहां पर बी है, ठीक है। तो जहां पर आपका ये वाला ब्रैकेट क्या लगाओगे, ओपन ब्रैकेट, जहां पर ये है क्या लगाओगे, क्लोज ब्रैकेट, है ना, समझ आया, इतना समझा जब बात हो तो फिर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, इतना आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन की तरफ, डायरेक्ट हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी में देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चार पांच मेथड्स बता रहा हूँ, उनको आप दिमाग में बैठा लो, है ना, रीजन भी बताऊंगा कि क्यों नहीं होगा, ठीक है, रीजन भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा एफ एक्स कोई फंक्शन है, जी एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स हो सकता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो, जी एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई हो, कुछ भी हो सकता है ना। मान लीजिए एफ एक्स और जी एक्स कोई फंक्शन है ना, तो आपके बेसिकली चार या पांच टाइप के बनते हैं, लॉगरिथम पहले पढ़ाऊंगा, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे, कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखे रूट ऑफ एफ एक्स, रूट के अंदर कभी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो ये एफ एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ग्रेटर जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा कभी देखेगा तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स शुड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये इनइक्वलिटी आपको लगानी, ये सॉल्यूशन होगा इसका, यहां से एक्स के इंटरवल से निकलेंगे, ठीक है, है ना। और एक चीज याद रखो कि इनइक्वलिटी में जब भी हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, कैसे, चलो पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ रहा हो, आपको दे दिया गया हो कि ये कोई इनइक्वलिटी दे दी गई है, थ्री माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, क्लियर है, ठीक है। तो एक काम करो, थ्री को उधर लेके जाओ, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का वन आएगा,
देखो थ्री जैसे ऊपर में सॉल्व करते वैसे यहाँ भी थ्री उधर लेके गए तो क्या बनेगा टू माइनस थ्री, तो माइनस एक्स लेस इक्वल टू माइनस वन, इधर भी माइनस, माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड या माइनस वन से डिवाइड करोगे है ना, ये माइनस में सेम चीज भेजोगे तो इनइक्वालिटी अगर ये लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। मतलब कि इनइक्वालिटी में कभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड इनइक्वालिटी बाय माइनस वन देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। सिंपल सी बात है, अगर लेसर इक्वल टू ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, अगर ग्रेटर इक्वल हो तो लेस इक्वल हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझ आया यहां से है ना, ठीक है। अब यहां पे सीखो जरा ध्यान से, x ग्रेटर इक्वल टू 1 है मतलब x या तो 1 है या तो 1 से ज्यादा है, तो आपने सिंपल यहां पे नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन ड्रॉ की x में, ठीक है। यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 4 होगा, ऐसे कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अगर लिखा जाए तो 1 देखो कहां पर है, 1 पे कौन साइन है इक्वल टू है, ये कौन सा ब्रैकेट होगा क्लोज वाला, ठीक है। इंफिनिटी पे कौन सा होगा ओपन वाला, क्योंकि 1 से कुछ भी हो सकता है, 1 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 1 से इंफिनिटी जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू यहां पर कौन सा है क्लोज 1 टू इंफिनिटी, मैंने बोला जहां इंफिनिटी दिया कैसे ब्रैकेट लगाओगे ऐसा लगाओगे, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इनके बीच में कोई भी वैल्यू लाइक कर सकती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या समझ में, मतलब कि पहला कंसेप्ट यहां पे क्या आया है कि जब भी इनइक्वालिटी में माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कहीं दिया गया माइनस एक्स लेस देन टू, तो एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन टू हो जाएगा माइनस टू, देखो माइनस वन से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस यहाँ क्या जाएगा माइनस टू, एक्स ग्रेटर माइनस टू, ठीक है। इसका जरा देखिए लिखा जाए तो नंबर हमने बनाया ये माइनस टू होगा, ये माइनस वन होगा, ये जीरो, ये वन, कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि ग्रेटर है तो इन्फिनिटी तक, अगर लेस होगा तो माइनस इधर आते माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा यहाँ पर देखो कौन सा ब्रैकेट होगा ओपन होगा कि होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इक्वल तो लगा नहीं है इन्फिनिटी, क्योंकि क्या होगा ओपन होगा, तो एक्स का सोल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू इन्फिनिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि कभी भी माइनस टू और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करेगा, बीच सारी वैल्यूज को लेगा, और अगर आपको कहीं भी एफ एक्स बाई जी एक्स मिल जाए, इफ एफ एक्स बाई जी एक्स मिल जाए तब सबसे पहली बात तो एक चीज बताओ, अगर ऐसा फंक्शन मिल गया तो ये जी एस कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अगर जी एस जीरो हो गया तो ये पूरा फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, वन बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या ले सकते हैं जी एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मैं जी एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो इतना समझ आया आपको, ठीक है। अच्छा ये तो अलग बात हो गई, अगर कहीं ऐसा फंक्शन मिल जाए एफ एक्स बाई रूट जी एक्स, ठीक है। अच्छा ये देखो जी एक्स, जी एक्स ध्यान दो, सबसे पहली बात तो जी एक्स ना ही जीरो होगा और ना ही लेस होगा, तो क्या होगा जी एक्स हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर लेस हो जाएगा तो रूट लेस माइनस वन क्या होता है अनडिफाइंड होता है, रूट माइनस वन क्या होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है। मतलब कभी भी ना ही जीरो होगा ना ही हमारा लेस होगा, तो क्या होगा हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, अभी मैं कई कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो परेशान तो तुम आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि कमेंट कर दीजिएगा दोबारा बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये आपको और लगेगा तो नया नई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली इनइक्वालिटी आई समझ में कि कहीं भी अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको इतना समझ में आया होगा, अगर इतना आ गया है तो अब समझो बीबी करो मेथड होता क्या है एक्चुअल में, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेके करते हैं, एग्जांपल क्या है सॉल्व लिखो क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी। चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका,
सॉल्व दी इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और माइनस टू इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ये दी गई इक्वलिटी है ना, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, है ना, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज को पहले इसको तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। ये इक्वालिटी आपको दी गई, क्या दी गई है, जीरो। यहाँ पर क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस टू, है ना, यहाँ से क्या कॉमन होगा, एक्स कॉमन होगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस टू। यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से देखो इस वाले में से माइनस वन कॉमन होगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस टू। एक फंक्शन क्या आएगा, एक्स माइनस वन, और दूसरा क्या आएगा, एक्स माइनस टू। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। देखो इसके दो मेथड्स हैं, मैं पहले शॉर्टकट बताता हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड बताता हूँ। वेरी कर्व मेथड में क्या होता है, सिंपल सैडल पॉइंट पता करो, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे पता करते हैं, पूरी इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करो, तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। जैसे हम लोग रूट्स निकालते थे, नंबर ऑफ जीरो निकालते थे, वही क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ निकालोगे। ठीक है, जो चीजें बता रहा हूँ वो लिखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर बात की जाए इक्वल करके, ठीक है, वो इक्वल हो जाए, वो आप इक्वल करके, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, एक एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा, दूसरा एक्स इज इक्वल टू टू आ जाएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वन आ गया है और एक्स इज इक्वल टू टू आ गया है, आपने x इज इक्वल टू वन यहां लिख लिया, x इज इक्वल टू टू यहां लिख लिया। ठीक है, यहां पे हम लिख क्या रहे हैं, वेवी कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एक शॉर्टकट है आपका सॉल्यूशन का। ठीक है, क्या लिख रहा है, क्रिकेट कौन सा है, x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी उसको उठाओ, क्या क्या लिख रही है, लिख रही है आप यहाँ पर इक्वेशन भेज दो, यहाँ पर टेस्टिंग के लिए। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वन एक्स माइनस टू इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है। देखो पहला पॉइंट आपका टू आ रहा है, तो टू के बाद क्या थ्री आएगा, है ना, तो एक बार टू के बाद पॉइंट चेक कर लो, टू के बाद पॉइंट चेक करो, जरा थ्री आएगा। तो x इज इक्वल टू थ्री पे देखो, जरा थ्री पे फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये वैल्यू देखो जरा, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो देखो करना क्या होगा कि आप एक बार इसके बाहर के पॉइंट लो, वन के बाहर का पॉइंट लो, वन और टू के बीच का पॉइंट लो, और इसके इधर का पॉइंट लो, अब क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन कैसा है ना। तो हम साइन नोट कर देंगे, ठीक है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप वैसे करोगे। तो हमने क्या लिया, टू के बाद पॉइंट लिया, मतलब टू के बाद ले रहे हैं इस साइड का, तो टू के बाद क्या आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, फाइव भी आएगा। आप थ्री पे चेक कर लो, फोर पे चेक कर लो, फाइव, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, नंबर तो अलग अलग आएगा बट पॉजिटिव नेगेटिव चीज एक ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री रखो तो क्या आएगा, थ्री माइनस वन टू बचेगा, थ्री माइनस वन इंटू थ्री माइनस टू कितना आएगा बताओ, ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, टू इंटू वन प्लस का टू आएगा, तो पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है तो ऊपर दिखाएंगे ऐसे, प्लस का हो गया, पॉजिटिव है तो ऐसे लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, वन और टू के बीच में चेक करना है, तो एक्स इक्वल टू जीरो चेक कर लें, वन और टू के बीच में इसी तरह के बीच मिल जाएगा, तो वन टू के बीच में चेक करना है, तो जीरो रखो, जीरो फिर जीरो यहाँ पर रखा, तो यहाँ भी माइनस भी पॉजिटिव हो गया, मतलब इसमें भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा फंक्शन, करके देख लो, देखो तो जीरो माइनस वन माइनस वन इंटू माइनस टू कितना आएगा, टू आएगा, टू क्या है, पॉजिटिव है नहीं है, तो पॉजिटिव है तो ऊपर लाइन से शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा वन के वन एक साइड लो, है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वन और हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, वन और टू के बीच में क्या आएगा, ध्यान देखो जरा दोबारा, वन और टू के बीच में क्या आएगा, वन पॉइंट फाइव आएगा, अब वन पॉइंट फाइव रखते देखो पहले, तो अच्छा इसके पहले क्या रहा था, वन इधर क्या रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, इधर क्या रहा था, पॉजिटिव आ रहा था ना, आ रहा, ठीक है, तो जीरो रखोगे या माइनस कुछ भी रखोगे तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं क्या कि हम क्या रखें यहाँ पे, वन और टू के बीच वाली रखें,
ये जीरो क्या हो गया, वन के इधर की वैल्यू हो गई, जीरो क्या हो, वन की इधर की वैल्यू हो गई। अब वन और टू बीच में देखेंगे तो वन और टू बीच वन पॉइंट फाइव कहीं यहाँ पे आएगा, वन पॉइंट फाइव कहीं यहाँ पे आएगा, उसको चेक कर लें। तो एट एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव से चेक करो, ठीक है। तो वन पॉइंट फाइव का वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर वन पॉइंट फाइव रखो, वन पॉइंट फाइव माइनस वन इंटू वन पॉइंट फाइव माइनस टू, अच्छा माइनस वन लिया जाएगा, जीरो पॉइंट फाइव इंटू माइनस का जीरो पॉइंट फाइव, ये कितना आएगा, माइनस का आएगा, नहीं आएगा, मतलब इसके बीच वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। समझ आया, क्लियर पॉइंट कीजिए। क्या किया, एक बार इसके बाद चेक किया, एक बार इसके पहले चेक किया, फिर इन दोनों के बीच चेक किया, इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इनके बीच नेगेटिव आ रही है, इनके पहले क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है। अब एक चीज मुझे बताओ, पॉजिटिव मतलब क्या है, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर, ठीक है। और अब मुझे बताओ इन ब्रैकेट्स में कैसा साइन है, इक्वलिटी का है, जिस ये पॉइंट मिले यहाँ पर कैसा ब्रैकेट हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कैसा पॉइंट मिलेगा, कैसा आपका इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल होगा ही नहीं होगा, एग्री करते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा साइन है, इक्वलिटी का है, ठीक है। तो कैसा ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या जा रहा है, प्लस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कैसा होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। इधर क्या जा रहा है, माइनस का इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी में कैसा होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी डिफाइन नहीं होता है। अच्छा ये इतना झमेला किया है ना, आपको समझाने के क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलते हैं, कैसे स्टेप वाइज आपको करना है। अब आपको लिखना है इसका एक्स का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे ग्रेटर इक्वल है तो ग्रेटर वैल्यू कहाँ होगी, जहाँ पे प्लस होगा, अगर लेस होगा तो माइनस वाला कंसीडर करते हैं, अगर ग्रेटर है तो प्लस वाला कंसीडर करोगे, अगर माइनस लेस है तो माइनस वाला कंसीडर करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, एक्स किससे बिलोंग करेगा, पहली बात तुम देखो कहाँ पे प्लस है, माइनस इंफिनिटी से वन में वैल्यू प्लस है नहीं है, तो माइनस इंफिनिटी पे ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट और वन पे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि क्या है, इक्वलिटी है, ठीक है। फिर अब हमको ये माइनस कंसीडर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है, ग्रेटर इक्वल है, तो ये प्लस आया फिर ये प्लस आया, यूनियन लगाओगे ये प्लस, देखो यहाँ पे क्या होगा, टू लोगे कॉमा इन्फिनिटी, ये हो गया क्या, इसका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है तो अभी अगले एग्जाम्पल में वो क्लियर हो जाएगी, बहुत ही चीज बीवी का मेथड है, अभी इसको आपके स्कूल में करवाएंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना, ये बीवी का मेथड है। आप पॉइंट्स रख के देखो, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले उनके लेफ्ट रखो, उनके राइट रखो, उनके बीच में रखो, बस आएंगे तो आपको फाइंड हो जाएंगी, अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव कंसिडर करना है इंटरवल को, अगर लेस है तो निगेटिव इंटरवल्स को कंसिडर करना है, अगर इक्वल लगा है तो वहां पर क्या लगा दोगे, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये नोट कर लिया, नोट बोल पढ़ से बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, मुझे लग रहा थोड़ा सा आपको भी टफ हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब अच्छे से, है ना, थोड़ा सा सपोर्ट करो, सब अच्छे से हो जाएगा, नई चीजें आपको मिल रही होंगी, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, सॉल्व द इनइक्वालिटी एक्स प्लस थ्री, चलो इसको नहीं करते हैं अभी, इसको नहीं करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, x प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस फाइव, x प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस फाइव ग्रेटर इक्वल टू जीरो। सबसे पहली बात तो ध्यान दो, यहां पर क्या है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, इसको एक बार जीरो से इक्वेट करो, फिर इसको जीरो से इक्वेट करो, फिर इसको जीरो से इक्वेट करोगे, जब इसको जीरो से इक्वेट करोगे क्या आएगा, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में जब उसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, जब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो ये एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स इज इक्वल कितना निकलेगा, माइनस का टू, एक पॉइंट क्या आया, माइनस का टू आया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, यहां से x कितना निकलेगा, वन, एक पॉइंट क्या आया, x इज इक्वल टू वन आया। फिर इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का फाइव। अब ये तीन नंबर आए हैं, इनको हम कहां शो करेंगे, नंबर लाइन पे, इनको हम कहां पर शो करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, उन पे शो करो, ठीक है। तो नंबर लाइन से सबसे पहले क्या आएगा, माइनस फाइव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस फाइव, यहाँ पर
माइनस टू यहाँ पर वन। मैंने अभी क्या बोला था, मैं ये बोला था एक बार इस वन के उस पार चेक करो, टू के इधर चेक करो, फाइव के इधर चेक करो और फाइव के इधर चेक करो। अच्छा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको राइट हैंड साइड से या लेफ्ट लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फाइव के इधर चेक करते हैं, प्लस एक माइनस है तो माइनस फाइव से इधर क्या आएगा, माइनस सिक्स आएगा, माइनस फाइव की इधर वैल्यू क्या होगी, माइनस सिक्स है ना। अच्छा देखो दूसरी चीज, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है नहीं है तो कैसा साइन लग जाएगा, यहाँ पे कौन सा होगा, ये पॉइंट होगी नहीं होगी, इंक्लूडिंग होंगे नहीं होंगे, बोलो इंक्लूडिंग होंगे नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, अगर ये ना होता तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगता, ओपन इंटरवल लगते, क्योंकि ये कैसा है, ये चीज है तो क्या लगा, ओपन क्लोज सर्किट लगा है, ठीक है। क्लोज मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ओपन मतलब में आपका स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, इंक्लूड नहीं करेगा, यहाँ पर इंक्लूड करेगा। अच्छा फाइव माइनस फाइव में लेके आएगा, माइनस सिक्स आएगा, इस पूरी इक्वेशन में माइनस सिक्स रखो, यहाँ पर जब माइनस सिक्स रखोगे तो माइनस सिक्स प्लस टू, फिर माइनस सिक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस सिक्स प्लस फाइव है ना, ये क्या आएगा, माइनस का फोर इंटू माइनस सिक्स माइनस वन, माइनस का सेवन, यह आ जाएगा फोर्टी नाइन, सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन इंटू माइनस सिक्स और प्लस वन माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये आ जाएगा फोर इंटू फोर्टीन, ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, मतलब इसके पहले नंबर लाइन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, आया क्लियर समझ में, क्यों पॉजिटिव होगी, यहाँ से हम रख के नंबर्स को है ना, आप क्या करोगे साइन को चेक कर लोगे सिंपल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, माइनस फाइव और माइनस टू के बीच में रखना है कोई नंबर, तो माइनस फाइव माइनस टू के बीच में माइनस थ्री रखते, माइनस का थ्री रखते हैं सिंपल, तो जब माइनस का थ्री रखोगे है ना, ठीक है, माइनस वन रख देना जीरो हो जाएगा, कंसिडर नहीं करोगे नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो माइनस थ्री रखो, माइनस फाइव माइनस टू के बीच माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री रखोगे जब यहाँ पे तो क्या बनेगा, माइनस थ्री प्लस टू, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस थ्री प्लस फाइव। अच्छा ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस वन बचेगा, ये क्या बचेगा, माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, और माइनस स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिक्सटीन, और यहाँ पर क्या आएगा टू। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो पूरी क्वेश्चन क्या बनेगी, माइनस का थर्टी टू, तो ये कैसा आया है, ये निगेटिव आया, कैलकुलेशन ये देखो तो देख लेना, बट आपका साइंस नहीं होना चाहिए बस है ना, हमको कोई साइंस मतलब है, मतलब कि जब ये चीज नेगेटिव आई है, इस इंटरवल में नेगेटिव आई है तो कैसा साइन जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, तो ये साइन कैसा जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा ऐसा, तो यहाँ पे इंटरवल क्या होगा, माइनस का, ठीक है। अब किसको चेक करना है, माइनस टू और वन का चेक करना है, तो माइनस टू और वन के बीच में क्या लाई करता है, जीरो लाई करता है, सिंपल है, माइनस टू और वन के बीच में जीरो लाई करता है या माइनस वन लाई करता है, वो आपको जो भी रखना रख लीजिए, ठीक है। तो क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं है ना, यहाँ पर जीरो जीरो प्लस टू, ठीक है, फिर यहाँ पे जीरो माइनस वन का स्क्वायर, फिर यहाँ पे जीरो प्लस फाइव, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, जब पॉजिटिव आएगा नंबर लाइन कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी है ना। अच्छा ठीक है, एक बार और ध्यान से देखो, जीरो रखो दोबारा, माइनस टू और वन के बीच में, एक मिनट एक मिनट, माइनस टू और वन के बीच में जीरो कहाँ है ये, ठीक है, माइनस टू और वन के बीच में माइनस वन रखते देख लो, अरे कोई भी नंबर लेकर देख लो यार, माइनस टू वन के बीच में कोई नंबर रखते देख लो, जीरो मतलब कि माइनस वन रखोगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये हाँ ठीक है, जीरो को क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, माइनस, अच्छा ये आ गया, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। अच्छा माइनस टू और वन के बीच में क्या रखना है, आपको नंबर रख के देखो, माइनस टू और वन के बीच में जब कोई नंबर रखोगे यहाँ पे, माइनस टू और वन के बीच में क्या रहा है, यहाँ पे आएगा माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन, ठीक है, जीरो रखे देखें, जब जीरो रखोगे यहाँ पे, जब जीरो रखो जीरो प्लस टू क्या आएगा, प्लस का आएगा नहीं आएगा, जीरो प्लस टू जीरो प्लस फाइव, जीरो माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो नंबर कैसे जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव प्लस का, ठीक है। अच्छा उसके बाद वन से बात की वैल्यू रखो, तो वन से बात कुछ भी रख दो, टू रख दो, टू प्लस टू फोर, टू प्लस फाइव है ना, तो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा कुछ ऐसा जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, अच्छा ये ग्रेटर इक्वल है नहीं है तो कैसे साइन को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे, जब ग्रेटर इक्वल तो कैसे साइन कंसीडर करेंगे, सॉरी पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे,
तो x कहां से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव कहां है, माइनस फाइव से माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पहले लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव। अच्छा यहां पे कैसा था, ये था नहीं था तो कैसे ब्रेकअप होगा, स्क्वायर ब्रेकअप होगा, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या लगा होगा, यूनियन। दूसरा प्लस कहां है, यहां पर है, कहां से कहां तक, माइनस टू से वन है ना, तो माइनस टू से वन कैसा होगा, देखो यहां भी क्लोज ब्रेकअप है नहीं, तो कैसा होगा, माइनस टू से माइनस वन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यूनियन, यहां पर क्या होगा, वन, और ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। कितना समय यार, हमको लगता है आपको समझ में आएगा, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही इसमें, कोई हो बताओ, है ना, ठीक है, बहुत आसान है यार, समझ आया सॉल्यूशन इसका, ठीक है। एक साइन चेंज होने से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, फिर इंटरवल से लेफ्ट से चेक करो, राइट चेक करो, इंटरवल के बीच में चेक करो, अगर प्लस है तो ऊपर डिकोड कर दो ऐसे ऐसे, अगर माइनस है तो ऐसे डिकोड कर दो माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा था, इनइक्वालिटी का ग्रेटर इक्वल था, तो कैसा रहा, हमने प्लस के साइन को कंसीडर किया, तो ये कहाँ से आ रहा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फाइव आ रहा, नंबर देखो जरा, ये कहाँ जाएगा, माइनस टू से वन जाएगा, फिर वन से इन्फिनिटी चला गया, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेएन पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, और ये हम डोमेन बेस में भी निकालना सीखेंगे, कैसे डोमेन बेस में इनका अप्लाई होता है, अगर ये नहीं आ रहा है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फट से, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स, ये क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा, क्वेश्चन करूंगा बस, है ना, तो दो क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कि मैं जो आप बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझना, कुछ बच्चे होते हैं कि अगर कभी भी एफ एक्स बाई जी एक्स हो तो जी एक्स को इक्वल जीरो भेज के एफ एक्स निकाल देते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आता, उन्होंने अगर जी एक्स को इक्वल जीरो किया है तो एक रूट उन्होंने वैनिश कर दिया, एक रूट उन्होंने खत्म ही कर दिया है, ठीक है। अगर एक रूट खत्म कर दिया तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है। अगर चलो ठीक है, ऐसा समझो यार, मान लो कि आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, है ना, तो 10 बच्चों को नीचे बैठा दिया गया है, एक बच्चे को थोड़ा ऊपर बैठा दिया गया है, तो टीचर आए सबको काउंट कर ले, ऊपर वाले काउंट ना करें, है ना, या नीचे वाले काउंट ना करें, तो क्या होगा, ऐसे में जो सब लोग पढ़ रहे हैं, एक बच्चा जो ऊपर तो भी क्लास अटेंड कर रहा है, वो हमारा खत्म नहीं हो जाएगा, बट उसको काउंट करना पड़ेगा, अगर टीचर उसको काउंट करेगा तो क्या करेगा, उसको एज्यूम करेगा नीचे बैठा हुआ है, समझ आया। देखो कैसे, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन लिखिए, इफ x माइनस वन सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, है ना, क्वेश्चन क्या है, x माइनस वन x प्लस फाइव x x प्लस टू, x माइनस वन x प्लस फाइव x x प्लस टू इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। देखो परेशान ना हो, आपका पांच छह दिन यही चलने वाला है सब, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन मिलेगा, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी मिले तो उस फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नहीं किया तो गलत। जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी मिलेगा तो उनके क्रिटिकल पॉइंट्स को भी आप कंसीडर करोगे, कैसे, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक चीज मैंने अभी बताई थी, अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है तो डिनोमिनेटर वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कैसे, देखो जो मैं तरीका बता रहा हूं देखो जरा ध्यान से। सबसे पहली बात, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे, एक एक्स इज इक्वल टू, जब जीरो इक्वल करो तो एक्स इज इक्वल टू वन मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, देखो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल जीरो करो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव मिलेगा, जो डिनोमिनेटर में उसको भी जीरो से इक्वेट करो, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जो ये है तो ये इसको भी जीरो से इक्वेट करो, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस टू मिलेगा, समझ में आया क्या, मतलब न्यूमरेटर को भी जीरो से इक्वेट करना है, डिनोमिनेटर को भी जीरो से इक्वेट करना है, बट बस डिफरेंस क्या होगा कि आपके जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होंगे, अगर यहाँ पे इक्वलिटी है तो वहां पे आपका क्लोज सर्किल लगेगा, और जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होंगे वहां पे आपका ओपन सर्किल लगेगा, है ना, मतलब जीरो और वन टू माइनस टू पे क्या लगेगा, ओपन सर्किल लगेगा, उनकी वैल्यूज कंसिडर नहीं करना है, वहां पे आप कौन से ब्रैकेट लगाओगे, ओपन ब्रैकेट लगाओगे, इतना डिफरेंस है बस, ठीक है। आप जरा ध्यान से, इसके बाद करते क्या है, इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, सोचो 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 क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, भूल जाते हो यार, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, माइनस फाइव, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस फाइव, फिर क्या आएगा, माइनस टू, फिर क्या आएगा, जीरो,
फिर क्या आएगा वो कौन आएगा। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर आ रहे थे, x is equal to 0 और x is equal to minus 2 था, नहीं था, x is equal to यहां से निकला था, minus 2 यहां से निकला था, तो 0 पे क्या करोगे आप, ओपन लगा दोगे, 1 पे क्या लगा दोगे, एक मिनट, माइनस टू पे क्या लगा दोगे, ओपन लगा दोगे, मतलब यहां पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अच्छा माइनस फाइव कहां से मिला था, न्यूमिनेटर से, यहां कैसा लगाओगे, क्लोज लगाओगे, 1 कहां से मिला था, न्यूमिनेटर से, कहां कैसा लगाओगे, क्लोज लगाओगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर से मेरा करते क्या थे, एक बार माइनस फाइव से पहले चेक करेंगे पूरी क्वेश्चन में, तो माइनस फाइव से पहले चेक करो, माइनस फाइव से इधर क्या आएगा, माइनस सिक्स आएगा, माइनस सिक्स पे चेक करो, तो माइनस सिक्स माइनस वन, ठीक है, तो माइनस सिक्स प्लस फाइव डिवाइड बाई माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स प्लस टू, कैसा आएगा बताओ, जल्दी से, माइनस सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस का सेवन इंटू ये माइनस का वन डिवाइड बाई माइनस का सिक्स इंटू माइनस का फोर, माइनस माइनस प्लस पूरी क्वांटिटी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी, जब पॉजिटिव आएगी तो ये किधर जाएगा, इन्फिनिटी क्या जा रहा है, माइनस में तो पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, कैसा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, समझ आया, ठीक है। अब कहां चेक करेंगे, माइनस फाइव माइनस टू के बीच में, तो माइनस फाइव माइनस टू के बीच में कोई एक नंबर आप सिलेक्ट कर लो, माइनस थ्री ले लें या माइनस फोर ले लें, वो आप डिपेंड करता है, माइनस थ्री ले, तो अब क्या चेक करना है, एस इज इक्वल टू माइनस थ्री पे, माइनस फाइव माइनस टू, माइनस टू के बीच में क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा, माइनस फोर भी आएगा, मैं बोल रहा हूँ आप चाहे माइनस थ्री ले लो चाहे माइनस फोर ले लो, आपका आंसर सेम आएगा, आपने माइनस थ्री लिया यहाँ पर करो, क्या निकलेगा, माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइड बाई माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस का टू, देखो माइनस थ्री माइनस वन माइनस का फोर, माइनस फोर इंटू प्लस का टू डिवाइड बाई माइनस थ्री इंटू माइनस वन, ये कैसा आएगा, देखो माइनस प्लस ऊपर माइनस है, ये कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, हमको नंबर से मतलब नहीं है, हमको साइन से मतलब है, केवल देखो माइनस ऊपर बचा यहाँ प्लस, ऊपर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस बाय प्लस क्या होगा, माइनस ही तो होगा, क्या आएगा यहाँ पे, इस इंटरवल में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वहां से ऊपर पे है, इस इंटरवल में नीचे की तरफ, समझ आ रहा है। अच्छा उसके बाद अब किस पे रखना है, जल्दी से बताओ, अब चेक करना है माइनस टू और वन के जीरो के बीच में, तो वन तो रख सकते हैं, वन तो जीरो हो जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, तो माइनस टू और जीरो के बीच में कौन सा नंबर ले लें, बोलो माइनस टू माइनस वन ले ले, माइनस वन पे चेक कर लो, एस माइनस टू माइनस माइनस टू जीरो के बीच में क्या है, माइनस वन है, एस इज इक्वल टू माइनस वन ले लें, तो माइनस वन क्या बचेगा, माइनस वन ठीक है, माइनस वन प्लस फाइव डिवाइड बाई माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस टू, ठीक है, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा, ये माइनस का टू इंटू फोर डिवाइड बाई माइनस वन इंटू आया, कैसा आएगा ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या बनेगा ये पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, जब पॉजिटिव आएगा नंबर कहाँ जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, ये आ गया पॉजिटिव पर दिखेंगे। अच्छा इसके बाद आओ जीरो और वन के बीच में चेक करो, जीरो और वन के बीच में चेक करोगे कोई भी नंबर ले लो आप, क्या ले सकते हो जल्दी से बताओ, जीरो वन के बीच में हाफ लेके चेक करना, तो हाफ माइनस वन नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मान नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा वन के बाद कुछ भी ले लो, वन के बाद चलो टू ले लेते हैं, है ना, तो टू माइनस वन पॉजिटिव, टू प्लस फाइव पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, पूरा क्या गया पॉजिटिव, ये बन गया आपका वेवी कर्व, है ना, ये बन गया आपका वेवी कर्व, नंबर नाम भी अच्छा है। अब यहां से x की वैल्यूज लिखते हैं, हमने साइन देखा, साइन कैसा था, ये वाला था ग्रेटर और ग्रेटर, है ना, तो जब साइन देखोगे यहां पे सिंपल क्या करो, वैल्यूज को रखो, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहां चलेंगे, लेफ्ट से, तो यहां पर कहां जा रहा होगा, तो पॉजिटिव नंबर्स पे, क्योंकि ग्रेटर लगा है तो पॉजिटिव नंबर्स को लेना है, कहां जा रहा होगा, माइनस इंफिनिटी से, ये ब्रैकेट, तो 5 पे कैसा है, क्लोज है कि नहीं है, तो वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, तो कैसा ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, पॉजिटिव था, नेगेटिव वाला स्किप कर देंगे, क्योंकि ग्रेटर पूछा गया है, अगर लेस पूछा तो नेगेटिव साइन देते, ठीक है, यूनियन। अब देखो 2 पे कैसा है, ओपन ब्रैकेट है, तो 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब 2 में ऐसा ब्रैकेट रहेगा, माइनस टू से जीरो, है ना, माइनस टू जीरो पॉजिटिव है,
और जीरो में भी कैसा है, ओपन ब्रैकेट है, तो कैसा रहेगा ये। फिर यूनियन, देखो ऊपर की बात क्या है, पॉजिटिव है, बट कैसा ब्रैकेट है यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट है, तो वन पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट वन टू कहां तक, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मैंने क्या बोला था, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, जो कि बहुत सिंपल है आपके हिसाब से, अगर अभी कोई और मेथड लगाओगे बहुत टफ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल, बस आपको अगर इतना आ गया तो आपको डोमेन निकालना आ गया फंक्शन का, रेंज निकालना आ गया, कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं और आज की क्लास करते हैं ओवर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, x by x plus 4, solve for x, क्वेश्चन क्या है, solve for x, इसलिए बोल रहा है यार गर्म हो रही है ना, सकते हो ना बोलो कोई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, solve for x, ये क्वेश्चन करेंगे बस, ठीक है, कर बोल सकते यार। x by x plus 4 less than इक्वल टू ही लेते हैं, बार लेसर इक्वल टू लेते हैं, x by x plus 4 लेसर इक्वल टू 1 upon x plus 1, x by x plus 4 less than इक्वल टू 1 upon x plus 1, ये कभी भी ऐसा मिल जाए तो जो भी RHS है सबसे पहले RHS क्या बनाओगे, जीरो बनाओगे, क्या लिखो, लाइन लिखो, RHS को जीरो बनाएंगे, हिंदी में लिखो इंग्लिश कुछ भी लिख लो, फर्स्ट वी विल मेक RHS इक्वल टू जीरो, ठीक है, RHS को जीरो बनाएंगे तो ये क्वांटिटी कहाँ आएगी, इधर आ जाएगी, क्या बनेगा, x by x plus 4, इसको कहाँ ला देंगे, LHS में, minus 1 upon x plus 1, है ना, is less than equal to क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब इसके बाद लिखो लाइन, now we will take LCM, now we will take LCM, LCM लिखो, तो क्या बनेगा, x, x plus 1, minus 1 divided by x plus 4 into x plus 1, less than equal to 0, ठीक है। इसके बाद, now we will solve the quadratic equation, ठीक है, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर, ठीक है, अच्छा ये क्या आएगा, x माइनस फोर यहाँ तो आएगा, एलसीएम ले लो, ठीक है, अच्छा ये क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस फोर डिवाइड में क्या आ जाएगा, x प्लस फोर x प्लस वन लेसर इक्वल टू जीरो, ये x कैंसिल आउट, क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाय x प्लस फोर x plus 1 less than equal to 0, अब यहाँ पे इसको factorize करो, a square minus b square लगाओ, तो 4 को 2 square ले सकते हैं, तो a minus b मतलब x minus 2, फिर x plus 2 divided by x plus 4 1, मतलब inequality solve करते समय किसी भी terms को हमको cancel out नहीं करना है, cancel out करने से एक रूट आपका चला जाता है equation का, ठीक है, है ना। देखो मैंने क्या बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, इसके बाद इसका क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो x इक्वल कितना आएगा, 2 आएगा, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो x इक्वल कितना आएगा, -2 आएगा, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो x इक्वल कितना आएगा, -4 आएगा, इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो x इक्वल कितना आएगा, -1 आएगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करो फट से, सारे पॉइंट्स को लिखो, सबसे पहले क्या आएगा, -4, फिर क्या आएगा, -2, फिर -1, फिर 1 आ गया, -4 -2 -1 फिर 2, सॉरी क्या हुआ, 2, अच्छा अब बात करते हैं ओपन इंटरवल कहाँ होगा, क्लोज इंटरवल कहाँ होगा, तो जो डिनोमिनेटर में आते हैं वहां पर ओपन इंटरवल होता है, डिनोमिनेटर से क्या मिला है, -4 मिला है और -1 मिला है, तो जब इसको करोगे x plus 4 equal to 0 तभी भी x equal to minus 4 होगा, मतलब ये जो चार डिनोमिनेटर से क्या मिला है, x minus 4 मिला यहां पे क्या होगा, ओपन होगा, और डिनोमिनेटर से क्या मिला है, -1 मिला यहां पे क्या होगा, ओपन होगा। क्लोज कहां होगा, जो न्यूमिनेटर में है यहां पर क्लोज, और -2 पे क्लोज और 2 पे क्लोज, यहां पर क्लोज और यहां पे क्लोज, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली चेक करूंगा, आपको घर पे चेक कीजिएगा, -4 से पहले -5 पे चेक करो, -4 से पहले -5 पे, तो -5 -2 -7 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, प्लस हो गया, ऊपर का प्लस नीचे का प्लस, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब इसके पहले क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर गलत को सही कर लेना बता देना कमेंट में, हां ये गलतियां हो सकती है, इंसान नहीं, हां यार इंसान तो नहीं, ठीक है। अब देखो -4 से -2 में जो लाइक कर रहा है, तो माइनस, अब किस पर चेक करेंगे, -4 से -2 क्या आएगा, -3 आएगा, -3 रखो तो -5 -1 प्लस का 5 -3 ये प्लस और ये माइनस, माइनस आएगा, कैसा आएगा इसके बीच में,
देखो यहाँ निगेटिव, ये भी निगेटिव, नहीं भी पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। अच्छा माइनस टू माइनस वन के बीच में चेक कर लो, है ना, तो माइनस टू माइनस वन के बीच में कोई भी नंबर रख लो, कौन सा नंबर रखते हैं यार माइनस टू माइनस वन के बीच में, बोलो माइनस का थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू ये कैसा होगा, माइनस माइनस वन पॉइंट फाइव, माइनस वन पॉइंट फाइव ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ऊपर का नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद माइनस वन और टू के बीच में चेक कर लो, जीरो रखते हैं, एक्स इज इक्वल जीरो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर टू के बाद चेक करो थ्री पे, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो एक बार आप लोग चेक कर लेना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं गलती अगर हुई होगी तो चेक कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, यहां से क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग करेगा आपका कहां से, देखो चलिए क्या है, आप देखो जरा यहां से साइन कैसा, लेस इक्वल है, जब लेस इक्वल होता है कैसे लेते हैं, माइनस का लेते हैं, जब लेस इक्वल होता है कैसे लेते हैं, माइनस का। यहां पर कैसा है, ओपन है, माइनस कहां से, यहां से यहां तक, मतलब कौन सा एरिया कंसीडर होगा, ये वाला और ये वाला, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइन कैसा है, लेस है, तो कैसा रहेगा, नेगेटिव का। x बिलोंग करेगा कहां से, माइनस फोर से माइनस टू, फिर अच्छा माइनस टू कैसा है, क्लोज है ना, तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ये वाला, यहां पर ओपन था तो कैसा लगा, ये वाला, ठीक है, यूनियन। अब माइनस वन से टू, फिर क्या होगा, माइनस वन से टू, तो माइनस वन जरा देखो कैसा है, ओपन है तो कैसा लगेगा, माइनस वन, फिर टू, टू कैसा है, क्लोज है, तो ऐसा सॉल्यूशन ऑफ x हो गया, ठीक है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई, बिल्कुल सिंपल बात हो गई, क्या हो रहा है, समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। अगर इतना पसंद में आ गया, ये बेसिक था, है ना, ये बहुत लोगों को टफ लगता है, कुछ भी नहीं इसमें, अभी मैं वैरायटी क्वेश्चंस कराऊंगा, लॉगरिथम लेके आऊंगा, मॉडल फंक्शन लेके आऊंगा, तो वहां आपको बहुत कुछ लगेगा, ठीक है। स्पेशल लेक्चर है, समझ लो इसको, कोई नहीं बताया इतनी जल्दी, ओके। तो वीडियो का रेफरेंस समझ में आया तो बहुत ही चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हो, ओके। तो एक काम करो यार, लाइक से सब्सक्राइब कर दो, जानते यार सब्सक्राइबर हो यार, है ना, अच्छा लगता है इसे, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, कल मिलेंगे, कल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद आपका रिलेशन रेंज डोमेन खत्म हो जाएगा, फिर मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ।